हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं वेट लॉस विद सीमा और मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए टेस्टी, हेल्दी और वेट लॉस फ्रेंडली रेसिपी लेकर के। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है लौकी। और लौकी का वेट लॉस में क्या बेनिफिट है ये तो हम सभी जानते हैं। लौकी बहुत ही ज्यादा लो कैलोरिक होता है। 100 ग्राम लौकी में सिर्फ 15 कैलोरीज होती हैं। ये फाइबर से भरपूर होता है। 100 ग्राम लौकी में 2.9 ग्राम फाइबर होता है। इसके अलावा इसमें 90% वाटर कंटेंट होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी लो होता है, तो अगर आप डायबिटिक हैं तो भी इसे आप बेझिझक खा सकते हैं। इसका सोडियम लेवल बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से यह आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इस वजह से यह आपके डाइजेशन के लिए भी बेस्ट है और आपको इन्फ्लेमेशन की अगर प्रॉब्लम होती है तो भी लौकी उसमें बहुत कारगर साबित होता है। तो ये तो हुई इसके हेल्थ बेनिफिट की बात। अब बिना देर किए बनाते हैं लौकी की ये खास रेसिपी, जिसे मैंने नाम दिया है लौकी चिल्ला। इसके नाम से ये बिल्कुल आम रेसिपी लग रही है, पर ये बहुत ही खास और अनोखी रेसिपी है। तो चलिए बिना देर किए बनाते हैं लौकी चिल्ला। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम लौकी, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लहसुन बारीक कटा हुआ, अदरक ग्रेटेड किया हुआ, प्याज जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है, ओट्स, बेसन, सूजी और हरा धनिया। अब हम सबसे पहले इस लौकी को एक बड़े बाउल में ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे मिलाएंगे लहसुन, अदरक, मिर्च, धनिया, प्याज, और अब हम इसमें मिलाएंगे काली मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, सेंधा नमक और चाट मसाला। अब हम सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा ये मिक्सचर रेडी है। इसी के साथ हमें एक प्रिपरेशन और करनी है। उसके लिए हम एक ब्लेंडर जार लेंगे और उसमें डालेंगे हमारा बेसन, ओट्स, सूजी और इसके साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और इसके साथ हम डालेंगे पानी। मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी लिया है। हमें बहुत ही पतला घोल बनाना है। अब हम इसे बंद करेंगे और ब्लेंड करेंगे। और ये लीजिए, हमारा पतला घोल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पानी की तरह है। अब हमारी सारी प्रिपरेशन हो गई है और अब हम बनाना शुरू करते हैं लौकी चिल्ला। लौकी चिल्ला बनाने के लिए हम एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें जस्ट 1 ड्रॉप कोकोनट ऑयल डालेंगे और इसे ग्रीस करेंगे। हम सभी जानते हैं ये हम सिर्फ एक ही बार करेंगे, हर बार चिल्ला बनाने के लिए हमें इसे करने की जरूरत नहीं है। अब हम हमारे ये लौकी वाले मिक्सचर को पैन में डालेंगे और राउंड चिल्ले के शेप में फैला लेंगे। हमने इसे फैला दिया है और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा करके इसे इस तरह से सिकने देंगे। इस तरह करने से जो इन सब्जियों का पानी है वो सूख जाएगा और ये एक राउंड चिल्ला का शेप आसानी से ले लेगा। अब आप देख रहे हैं कि इसका पानी ऑलमोस्ट सूख गया है, तो अब हम ये हमारे घोल को हल्का हल्का इसके ऊपर फैलाएंगे, जिससे हमारे चिल्ले की अच्छी बाइंडिंग होगी और ये फैलेगा नहीं। हमें बहुत सारा घोल इसमें नहीं डालना है, जस्ट 2 or 3 teaspoon घोल से ही हमारा एक चिल्ला बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसे इसी तरह से ढक करके 1 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसे पकते हुए 1 मिनट हो गया है।
अब हम इसे पलट लेते हैं। अब हम इसे दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं और इस बार हम इस पर ढक्कन नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें काफी मॉइस्चर है, जिसकी वजह से इसे अब हमें खुला रख के ही पकाना होगा। इसे दूसरी तरफ से भी पकते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल ड्राई भी हो चुका है, कोई मॉइस्चर अब इसमें नहीं बचा है। और अब आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही यूनिक, टेस्टी, हेल्दी और सबसे इम्पोर्टेंट वेट लॉस फ्रेंडली लौकी चीला बनकर तैयार है। आप इस लौकी चीला को ग्रीन चटनी या फिर कोई भी खट्टी मीठी चटनी या फिर घर के बने हुए अचार के साथ मजे से खा सकते हैं। इस प्लेट में आपको मिलती है सिर्फ 150 कैलोरीज। इस लौकी चीला को आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से इस लौकी चीला को अपनी डाइट में ऐड करें और इसके वेट लॉस बेनिफिट्स का फायदा उठाएं। अगर आप ऐसी ही और बहुत सारी हेल्दी, टेस्टी और वेट लॉस फ्रेंडली रेसिपीज को इंजॉय करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ताकि मैं इसी तरह से और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। और अगर आप अपने फेवरेट हाई कैलोरिक फूड का हेल्दी वेट लॉस वर्जन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस रेसिपी को हेल्दी वेट लॉस फ्रेंडली बनाकर आपको दिखाऊंगी। आप मेरी इन सभी रेसिपीज, वेट लॉस टिप्स और ट्रिक्स को आसानी से बगैर देरी किए देखें, इसके लिए आप मेरे इस चैनल वेट लॉस विद सीमा को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।